हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज अपन सेकंड चैप्टर सर्वे का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है आपका लीनियर मेजरमेंट्स। लीनियर मेजरमेंट्स की सर्वे में क्या क्या कौन कौन से लीनियर मेजरमेंट्स होते हैं, कौन कौन से करेक्शंस होते हैं, वो सभी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि क्या है मेन पर्पज़ ऑफ सर्वे इज़ टू प्लॉट प्लान और मैप ऑफ एन एरिया। ये तो सबको पता ही है कि किसी भी एरिया को अगर अपन को आगे किसी भी प्रोजेक्ट को आगे चालू करना है तो उसका मेन पर्पस क्या है। सर्वे सर्वे का पर्पस क्या है बेसिकली, कि आप उस को प्लान और मैप कर लें, ठीक है। आपको उसका पहले एरिया का पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि इस तरीके से ये सब चीज़ें लेवल हैं और ये सब चीज़ें आप आगे बना सकते हैं, या उसके सराउंडिंग्स क्या है बेसिकली, ठीक है। फिर आपका आता है कि एज द मैप इज़ प्लॉटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द डिस्टेंस शोन आर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन, ठीक है। इन सर्वे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये आपको पता है कि दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मान लो ए और बी बी पॉइंट है, तो इसके बीच की डिस्टेंस होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। व्हेन स्लोप डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन द फील्ड, दे ऑलवेज रिड्यूस्ड टू इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैप, ठीक है। जब स्लोप डिस्टेंस आप मेजर करते हैं फील्ड में, तो वो हमेशा इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में रिड्यूस हो जाती है मैप को मैप में बनाने के लिए, बेसिकली मैप प्रिपरेशन के लिए। तो वो हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इस चैन और टेप की हेल्प से, कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी, हमने चैन और टेप निकाली, आपने मेजरमेंट कर लिया। टैक्योमेट्रिक मेथड होता है, ऑप्टिकल मेथड होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ईडीएमआई को आपने और क्लासिफाई कर दिया, जियोडीमीटर और मेकोमीटर, एक होता है लाइट वेव के थ्रू, रेडियो वेव और माइक्रोवेव के थ्रू होता है, डिस्टोमीटर और टेलरोमीटर मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आपको लीनियर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए सबसे जो मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है वो हो गया आपका डिस्टोमीटर और टेलरोमीटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। उसके बाद आपका इंफ्रारेड होता है, वो आपका टोटल स्टेशन होता है, टीएस, आपको वो सब पता ही है कि टीएस की हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, डिस्टेंस और सब कुछ, लेवल वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका चैन सर्विंग। चैन सर्विंग में क्या होता है दोस्तों, कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच डिस्टेंसेज आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ चैन और टेप, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चैन। इसमें क्या होता है कि मान लो आपका यहाँ 0 मीटर पे है, ठीक है, 0 मीटर पे सर्वेयर खड़ा है, फॉलोअर खड़ा है, और एक 20 मीटर पे वो खड़ा है लीडर। तो आपने जब 20 मीटर की चैन बिछाई, 20 मीटर की जब आपने चैन बिछाई, तो ये 20 मीटर यहाँ से चालू होकर के यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें क्या करेगा, 20 मीटर वाला बंदा जब वहाँ गया 20 मीटर पे, एक यहाँ पर मान लो ए यहाँ पर और बी यहाँ पर है आदमी, ठीक है, ए पर्सन यहाँ है और बी पर्सन यहाँ पर है, तो यहाँ से चालू करी और वो 20 मीटर तक ऐसे स्ट्रेच करके लेके गया, यहाँ पर 20 मीटर ख़त्म हो गया। अब जब वो आगे की इनको लेंथ मेज़र करनी होगी तो वो कैसे करेंगे भाई, उसको कैसे पता लगेगा ए वाले को कि एग्जैक्टली यही पॉइंट पर चैन खत्म होगी। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि ये उन लोगों ने यहाँ पर एक एरो लगा दिया, बी वाले ने क्या किया, एक एरो यहाँ पर खड़ा कर दिया कि ये पॉइंट है, यहाँ पर चैन ख़त्म हुई है। ए वाला क्या करेगा, ए फिर इधर आएगा, ठीक है, बी पर आएगा, 20 मीटर पर आएगा, जब तक बी वाला वापस से सी पॉइंट पर जा चुका होगा जो कि 40 मीटर पर होगा, वहाँ चैन खत्म हो जाएगी, और ए वाला इस रोड को हटा करके, इस एरो को हटा करके अपनी खुद की चैन वहाँ पर लगा देगा और वो रोड खुद के हाथ में रख लेगा, ठीक है। इसका मतलब ए ने एक रोड अपने हाथ में रखी, इसका मतलब वो 20 एक चैन कंप्लीट हो गई, एक चैन मतलब आपके मान लो 20 मीटर की चैन, तो एक चैन कंप्लीट हो गई। फिर वापस से बी आ गया आपका सी पॉइंट पर, ठीक है, फिर सी पॉइंट पर भी चैन खत्म हो गई, तो फिर वापस से क्या किया कि बी के पास जो कि दूसरा एरो था, दूसरा एरो उसने यहाँ पर लगा दिया सी पर, फिर वापस से क्या किया बी ने, जो बी पर एरो लगा था वो उठा लिया और अब दूसरी जगह गया, सी पर चला गया, और फिर वापस से ए बी तो अब आगे चला जाएगा आपका, और ए वापस से आपका सी पर आ गया और फिर उसने दूसरा एरो लगा लिया। इसका मतलब ए के हाथ में कितने एरो हो गए, एक हाथ में 2 एरो हो गए, एक तो उसने 20 उठाया, एक उसने 30 उठाया। इसका मतलब ये होता है कि फॉलोअर के हाथ में जितने एरोज होते हैं, ध्यान देना, फॉलोअर के हाथ में जितने एरोज होते हैं उतनी ही चैन मेजरमेंट हुआ है, उतनी ही नंबर ऑफ चैन्स का मेजरमेंट हुआ है, ठीक है। सो इन द प्रोसेस ऑफ चैनिंग दिस सर्वे, द टीम कंसिस्ट ऑफ फॉलोअर, 0 मीटर लीडर होता है, 20 मीटर 30 मीटर जितने की भी चैन होती है, उसको ऐसा फिक्स नहीं है कि ये 20 मीटर 30 मीटर पर काम होगा, ठीक है। उसके अलावा लीडर डिराइव्स द एरो एंड ए फॉलोअर कलेक्ट्स इट, कि भाई लीडर जो है आगे चलता रहता है और फॉलोअर इसको कलेक्ट करता रहता है। उसके बाद नंबर ऑफ एरोज विद द फॉलोअर सिग्निफाइज चैन लेंथ मेजर, ठीक है, जो नंबर ऑफ एरोज फॉलोअर के पास में होते हैं, मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा मतलब जितने नंबर ऑफ एरोज फॉलोअर के पास में होते हैं, इसका मतलब यह है कि उतनी ही चैन की जो लेंथ है, उतनी ही नंबर ऑफ चैन की लेंथ इसमें
काउंट हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका चैन सर्विंग। चैन सर्विंग में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनमें से ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन आएगा नहीं। इन चैन सर्विंग वेरियस पॉइंट्स आर लोकेटेड बाय मेजरिंग डिस्टेंस इज द हेल्प ऑफ चैन टेप, विद द हेल्प ऑफ चैन टेप, ठीक है। फॉर स्मॉलर एरिया डिटेल्स ऑफ वेरियस पॉइंट्स कैन बी कलेक्टेड यूजिंग टाइज एंड ऑफसेट की। मान लो ये आपका कोई पॉइंट है, हो गया ए आपका, ये पॉइंट हो गया आपका बी, तो ए से बी तक आप चैन मेजर कर रहे हो, ठीक है। उसके बीच में क्या किया आपने कि यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया जहाँ पर आपको ट्री दिख रहा है, तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट अलग से लगा दिया, उसके परपेंडिकुलर आपने इसकी ट्री की लोकेशन निकाली कि ये इसके ऑफसेट में हो। और अगर आपको लेंथ भी मेज़र करनी है तो आप यहाँ से चैन लगा करके उसकी ट्री से, जो आपकी मेन जो सर्वे लाइन है उससे आप ट्री की लेंथ भी पता कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ऑफसेट्स आर लेटरल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम ए सर्वे लाइन टू द पॉइंट टू इन्फॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड। वही मैंने आपको बोला कि सर्वे लाइन से आपको लेटरल डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी कि जो भी फीचर आपके इसमें बीच में आ रहा होगा। अब आ जाता है कि बट वेन द एरिया इज लार्ज, एरर इंट्रोड्यूस ड्यू टू लार्ज ऑफसेट विल बी मोर, देयर फॉर टू ओवरकम विद दिस डिफिकल्टी लार्ज एरिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इन टू नेटवर्क स्मॉल ट्राइंगल्स, देन दिस डिटेल्स आर कलेक्टेड यूजिंग टाइज एंड ऑफसेट। मैंने आपको बताई दिया था बेसिकली यहाँ पर वही सर्वे का प्रिंसिपल काम हो गया कि जब आपका एरिया लार्ज हो, आपका एरिया जब आपको लार्ज होगा तो उसमें आप क्या करोगे, मान लो आपका इस तरीके से एरिया दे रखा है, इस तरीके से एरिया आपका लार्ज हो गया तो उसमें आप क्या करोगे, आपने ये कई तरीके की लाइन बना ली, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो एक सर्वे का एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, तो ये लाइन अलग से हो गई, इस लाइन के परपेंडिकुलर में ये ऑफसेट है, तो ये आपने इसका ऑफसेट की डिटेल निकाल ली। इससे क्या होगा, आपका एरिया आपने पूरे होल टू पार्ट आपने यहाँ पर प्रिंसिपल काम में लिया, यहाँ पर आपने अब जो प्रिंसिपल काम में लिया सर्वे का कौन सा लिया, होल टू पार्ट प्रिंसिपल काम में लिया कि पूरे एरिया को आपने डिवाइड कर लिया अलग अलग तरीके से, जिससे क्या होगा आपकी जो एरर होगी वो मैक्सिमाइज नहीं होगी, वो मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। फिर अब आप जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फिर भी कि बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या होती है। सबसे पहले मेन स्टेशन, मेन स्टेशन क्या होता है, मेन स्टेशन इज ए पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट एंड दीज स्टेशन डिसाइड द बाउंड्री ऑफ द सर्वे। जैसे इस पूरे एरिया में मेन स्टेशन क्या होंगे, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, इससे ले लेते हैं, ठीक है। देखो मेन स्टेशन क्या होंगे कि मेन स्टेशन वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर पूरा एरिया की, पूरे सर्वे का जो एरिया होता है उसकी पूरी बाउंड्री मीट करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है। तो इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया है इसमें, इस पूरे एरिया में ए बी सी डी, आपका ए बी सी और डी, तो ये चार पॉइंट हो गए, ये चार पॉइंट आपका मेन स्टेशन हो गए। उसके बाद आती है मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन में दीज आर द लाइन्स ज्वाइनिंग मेन सर्वे स्टेशन, मेन सर्वे स्टेशन को जो लाइन जोड़ रही है वो आपकी मेन सर्वे लाइन हो गई। मतलब ए को, ए को ये ए डी सी ई हो, ए डी सी बी हो गया था, ठीक है। तो ए बी को जिसने जोड़ा ये आपकी मेन सर्वे लाइन हो गई, उसके बाद बी सी जो हो गई वो मेन सर्वे लाइन हो गई, उसके बाद जो सी डी है वो मेन सर्वे लाइन हो गई, उसके बाद जो डी ए है वो आपकी मेन सर्वे लाइन हो गई। मतलब मेन स्टेशन को जो जोड़े वो मेन सर्वे लाइन हो गई। ऑक्सिलरी स्टेशन क्या हो गया, टाई स्टेशन आर स्टेशन ऑन दी, टाई स्टेशन बोल दो या ऑक्सिलरी बोल दो या सब्सिडरी बोल दो, तीनों के एक ही नाम है। तो ऐसा टाई स्टेशन जो कि मेन स्टेशन की लाइन पर आ रहे हैं बीच में, जैसे एक्सेप्ट एग्जाम्पल आपका ई और एफ। ई और एफ क्यों हुआ आपका, कि ये जो टाई स्टेशन सही किस पर आ रहे हैं, आपके मेन सर्वे लाइन पर आ रहे हैं, तो ये आपके ऑक्सिलरी स्टेशन हो गए, या उनको टाई स्टेशन आपने बोल दिया। तो द टाई स्टेशन आर स्टेशन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग मेन स्टेशन, कि जो आपकी मेन स्टेशन की लाइन के बीच के जो दो पॉइंट होते हैं वो आपका टाई स्टेशन हो गया, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है आपका ई और एफ, ठीक है। अब टाई लाइन कौन सी होगी, ऐसी लाइन, देखो मेन स्टेशन थे जो पूरी सर्वे की एरिया को डिफाइन कर रहे थे, तो उसके बाद आया मेन लाइन, मेन सर्वे लाइन। तो मेन सर्वे लाइन को किस क्या कह दिया, कि जो मेन स्टेशन को जोड़ती है। ऐसे ही टाई स्टेशन को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो कौन सी लाइन कहलाएगी, वो आपकी टाई लाइन कहलाएगी, मतलब ई और एफ, समझ आ गया, ठीक है। सो दीज आर लाइन्स जॉइनिंग द स्टेशन, दीज आर हेल्पफुल इन लोकेटिंग इनर डिटेल्स ऑफ द एरिया, कि आपकी जो एरिया की जो इनर डिटेल्स है वो आपकी टाई लाइन की हेल्प से निकल सकती है। बेस लाइन क्या होती है, कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन विच जनरली पासेस थ्रू दी सेंट्रल पोर्ट ऑफ द एरिया। मतलब जो लॉन्गेस्ट जो सर्वे लाइन होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, बेस लाइन कहलाएगी। और इसमें जो बेस लाइन है वो है बी डी, ठीक है। और जनरली क्या होता है,
कि जो बीड़ी होती है वो आपके सेंटर ऑफ द एरिया से निकलती है, ठीक है। जो बीड़ी होती है वो आपकी सेंटर ऑफ एरिया से निकलती है, ठीक है। जैसे आपको दिख ही रहा है कि ये जो लाइन है आपकी सेंटर ऑफ एरिया से निकल रही है बीडी। फिर आते हैं आपका चेक लाइन। चेक लाइन क्या कहलाती है कि चेक लाइन इज लाइन प्रोवाइडेड टू चेक दी एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड वर्क। अब आपको समझ आ रहा है चेक चेक मतलब कि आप पे एक्यूरेसी ऑफ वर्क को वो चेक करेगी, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज फॉर इट इज़ नॉट यूज फॉर प्लॉटिंग ऑफ एनी पॉइंट। ये किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के काम में नहीं आती है। मेजर लेंथ ऑफ द चेक लाइन शुड बी इक्वल टू द लेंथ स्केल्ड फ्रॉम द प्लेन। जैसे एग्जाम्पल पे दे रखा है इसने ए आई और सी जे, तो पूरे काम को अगर चेक कर रही है, जो लाइन पूरे काम वर्क की एक्यूरेसी को चेक कर रही है वो आपकी कहलाएगी चेक लाइन, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल में दे रखा है इसने ए आई, ए आई मतलब ये वाली लाइन हो गई आपकी, ठीक है। ये लाइन किसी पॉइंट को प्लॉट नहीं करेगी पर वर्क की एक्यूरेसी को चेक करेगी, ठीक है। उसको आप चेक लाइन को प्रूफ लाइन भी कह सकते हो या चेक लाइन भी कह सकते हो। यहाँ से इम्पोर्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है चेक लाइन से, ठीक है। टाई लाइन से भी क्वेश्चन बनता है। फिर आगे आपका चेंजेस। चेंजेस क्या है? चेंजेस कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट ए डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। कि आपने आपको चेंजेस देना पड़ता है, जैसा भी बताया था कि मान लो ये पॉइंट ए हो गया आपका, ये पॉइंट मान लो बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 मीटर से चालू हुआ पर यहाँ पर 100 मीटर आ गया, फिर यहाँ पर 200 मीटर हो गया, ये आपका 300 मीटर हो गया, तो ये क्या हो गया आपका चेंजेस ही हो गया। तो चेंजेस क्या होती है? एक डिस्टेंस होती है मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। कि आप ए से बी तक जा रहे हो तो ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो अलोंग द सर्वे अलोंग द लाइन, तो वो आपका चेंजेस कहलाया, ठीक है। तो इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से जो वेल डिफाइंड पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो आपका चेंजेस कहलाया। वर्ड चेंजेस इज जनरली यूज इन लीनियर प्रोजेक्ट्स। लीनियर प्रोजेक्ट्स में काम आता है, ऐसा नहीं कि आपका जो एरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो उसमें आपका ये काम आएगा। बेसिकली जो लीनियर वर्क होगा, मान लो आपकी कोई रोड जा रही है, जैसे आप माइल स्टोन्स वगैरह देखते होंगे रोड में आपके, तो माइल स्टोन्स में लिखा रहता है ना कि 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरीके से, तो वो आपका बेसिकली चेंजेज हो गए, ठीक है। फिर आता है दे आर यूज टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन द वर्क, ठीक है। कुछ खास इसमें है नहीं ज़्यादा। फिर आता है आपका बेसिक डेफिनेशंस में 8th पॉइंट आता है वेल कंडीशन ट्राइंगल। देखो दोस्तों, वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या हो गया कि इन ए चैन सर्वेइंग अटेम्प्ट शुड बी मेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्लॉटिंग। क्या होता है कि मान लो ये तो आपको पता ही है कि जहाँ पर 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो अपने आप में एक ट्राइंगल बनाएगी, ठीक है। जहाँ पर 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो एक अपने आप में ट्राइंगल बनाएगी। अब कैसे बन रहा है, मान लो इस तरीके से कोई लाइन है, एक लाइन इस तरीके से है, ठीक है, और एक लाइन इस तरीके से है, मान लो इस तरीके से, और एक लाइन ये हो गया। तो अब इनके बीच में जो एंगल बनेगा, ध्यान देना, अब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो बहुत ही छोटा होगा और वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। इस तरीके का एंगल, ये एंगल या ये एंगल, ठीक है, ये विजिबल होगा। तो इसने क्या दिया, इसने एक डेफिनेशन दे दी कि मैं तो वेल कंडीशन ट्राइंगल उसी को मानूंगा जो इसकी रेंज का होगा क्या, दैट शुड बी इन रेंज ऑफ 30 to 120 डिग्री, ठीक है। हैंस फॉर ऑब्टेनिंग डिस्टिंक्ट मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका इंटरसेक्शन आपको दिख तो सके। भाई ये एंगल है तो एंगल आपको ये दिख तो रहे हैं, पर ये एंगल आपको दिख रहे हैं, मान लो ऐसे तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कोई एंगल होगा तो वो आपको दिख पाएगा इंटरसेक्शन में, बहुत छोटा होगा, ठीक है, उसको आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो इसने एक डेफिनेशन दे दी कि मैं तो वेल कंडीशन, आपको नाम से पता लग रहा है कि उसकी कंडीशन जो वेल होनी चाहिए, मतलब वेल कंडीशन ट्राइंगल जिसकी रेंज 30 to 120 डिग्री हो, कि इसका जो एंगल है वो इस रेंज में होना चाहिए 30 से 120 डिग्री के बीच में, ठीक है। अब वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए 120 डिग्री से ज़्यादा, क्यों? जैसे मान लो कि कोई ट्राइंगल है इस तरीके से है और फिर इस तरीके से है, फिर इस तरीके से है, तो ये ऑलमोस्ट ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री से थोड़ा सा छोटा बनेगा, तो इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इसने एक रेंज डिफाइन कर दी कि वेल कंडीशन ट्राइंगल मैं उसी को मानूंगा कि जो कि 30 से 120 डिग्री के बीच में जिसका एंगल होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आ जाता है इसमें से। उसके बाद अब आप इनको रट लो, याद कर लो कि सर्वेइंग चैन कौन कौन सी होती है। सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा होता है आपका रेवेन्यू चैन, ध्यान देना। देखो सबसे छोटा बच्चा होता है आपका रेवेन्यू चैन। रेवेन्यू चैन में क्या होता है कि 33 फिट का ही होता है और 16 लिंक होते हैं। 16 लिंक बस आपको अलग से याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। रेवेन्यू चैन आती है, रेवेन्यू चैन सबसे छोटी होती है, तो सबसे
छोटा बच्चा हो गया। उसके बाद आती है गंटर चैन, नाम से पता लग रहा है गंटर है भाई, गंटर है कि हंटर है, ठीक है। वो उसका डबल होती है, 33 का डबल क्या हो गया, 66 फिट, ठीक है। 66 फिट डिवाइडेड बाय 100 लिंक, मतलब 66 फिट की चैन होती है जिसमें कि 100 लिंक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है इंजीनियर चैन, जैसे कि आप लोग हैं स्मार्ट लोग, इंजीनियरिंग चेन्स क्या होती है, 100 बाय 100 होती है, 100 बाय 100 मतलब कि 100 फिट बाय 100 लिंक, 100 फिट बाय 100 लिंक, ठीक है। मतलब 100 फिट की चैन में 100 लिंक हुए। गंटर चैन में 66 फिट की होती है पर 100 लिंक होते हैं। और रेवेन्यू चैन तो सबसे छोटी बच्ची, आपको पता ही है कि वो तो भाई 33 फिट की ही होती है और उसमें 16 ही लिंक होते हैं। उसके बाद मैट्रिक चैन होती है जो कि आपकी 20 मीटर भी होती है और 30 मीटर भी होती है। जो मैट्रिक चैन होती है वही चैन होती है जो आपने अपने कॉलेज में सर्वे के टाइम पर यूज़ करी होगी, ठीक है। 20 मीटर चैन हो या 30 मीटर चैन हो, वो आपकी मैट्रिक चैन कहलाई। उसके बाद कुछ है कि इसमें कन्वर्जन दे रखा है मैंने आप लोगों के लिए कि 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, इट इज़ 1.60 किलोमीटर, ठीक है। 1.60 किलोमीटर मतलब कि आपका 80 घंटर चैन हो गई, 80 घंटर चैन हो गई। अब आप बोलोगे 80 घंटर चैन आपने कैसे कैलकुलेट करी, तो आपको पता है कि 1 घंटर चैन की जो कैलकुलेशन होती है वो 66 फिट होती है, 18 × 66, ये तो फिट हुई। उसको जब आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में तो वो अराउंड दैट विल बी अराउंड 1.60 किलोमीटर, ठीक है। एक एकड़ में 4046 स्क्वायर मीटर होते हैं, ये आपको पता है। तो इट इज़ अराउंड 10 × घंटर चैन का स्क्वायर इसने बोल रखा है कि घंटर चैन का आप स्क्वायर कर लो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट विल बी इक्वल टू 1 एकड़। 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं, इट इज़ अराउंड 0.91 मीटर, ये तो आपको पता ही है कि 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं। और 1 मीटर में कितने फिट होते हैं ये आपको पता ही होगा, इट इज़ अराउंड 3.28 फिट। आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट आता है आपके टेप्स, कौन कौन से टेप्स होते हैं कि आपका एक क्लोथ और टेप होता है जो कपड़े वाला जो आता है, ये मेटेलिक टेप आता है, आपका स्टील टेप आता है। इनमें से खास कुछ क्वेश्चन नहीं आता इन तीनों में से, फिर भी एक बार आप पढ़ लो डेफिनेशन के लिए कि इट इज़ मेड अप ऑफ क्लोजली वूवन लाइन एंड सिंथेटिक मटेरियल विच इज़ वार्निश्ड टू रेजिस्ट मॉइस्चर। दिस टेप डज नॉट रिमेन्स स्ट्रेट ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब ऑब्वियसली जब ये कपड़े का टेप हो गया, लिनन टेप हो गया या आपका क्लोथ टेप हो गया या आपका कपड़े का टेप हो गया, जब तेज़ हवा चलेगी तो ये आपका स्ट्रेट तो रह नहीं पाएगा, ये तोड़ जाएगा। उसके बाद आया आपका मेटेलिक टेप, मेटेलिक टेप में क्या होता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ लिनन विद ब्रास, मतलब लिनन रहता है उसमें पर आपने ब्रास और कॉपर वायर लगा दिया इसमें और वार्निश कर दिया। दिस टेप गिव्स बेटर रिजल्ट देन इन कंपेरिजन टू बोथ टू क्लोथ टेप बिकॉज स्ट्रेचिंग इज रिड्यूस, इसमें आपने स्ट्रेचिंग जो है कम कर दी। इसमें आपने कपड़े के साथ क्या मिला दिया, ब्रास और कॉपर वायर मिला दिया। फिर आता है आपका स्टील टेप, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये इन दोनों से बेटर हो गया। चौथा बता दिया आपने इन्वर्ट टेप, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें मेन जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि निकल और स्टील का कंपोनेंट क्या होता है, मैं बताता हूँ। ABCD में सबसे पहले क्या आता है आपका, N आता है, फिर आपका S आता है। 1, 2, 3 में सबसे पहले आपका 36 आता है, फिर आपका 64 आता है। बस निकल की जो परसेंटेज रहती है वो 36% रहती है और स्टील की जो परसेंटेज रहती है वो आपका 64% रहती है, ठीक है। दिस स्टेप इज़ हाईली एक्यूरेट एंड हैव वेरी स्मॉल थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बट दीज टेप्स रिक्वायर मच अटेंशन इन द फील्ड बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड डिफॉर्म्स इजिली, मतलब अगर आपको जब आप इस तरीके के टेप को यूज़ कर रहे हो इनवर्ट टेप को, तो आपको थोड़ा सा सॉफ्टली यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने रफली यूज़ कर दिया जो आप करते हो, जैसे ये स्टेनलेस वाला जो आप टेप यूज़ करते हो ना, स्टील टेप वो वाला, उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। इसका जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि निकल और स्टील, तो आप पढ़ लेना है कि ABCD में सबसे पहले N आता है, उसके बाद S आता है, 1, 2, 3 में सबसे पहले 36 आता है, फिर 64 आता है, ठीक है। अब आपके आ गए पैक्स वगैरह कि दीज आर दी पैक्स क्या होते हैं कि जब आप किसी जगह जा रहे हो तो आप पैक्स लगा करके उसको पॉइंट को डेफिनेट कर देते हो, मतलब बेसिकली मार्किंग के काम में आती है, ठीक है, चैनिंग में काम में आती है, मार्किंग के काम में आती है कि दीज आर टेप्स, दीज आर यूज टू मार्क ए डेफिनेट पॉइंट टेम्प्ररी और सेमी, अपने टेम्प्ररी पर्पज़ के लिए। जैसे मान लो कि आज अपन ने काम कर लिया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आज अपन ने काम कर लिया, पर काम तो यहाँ तक का बहुत बड़ा काम है, तो आज अपन क्या करें पैग लगा के चले गए। फिर जब अपन कल आएंगे तो अपन को पता रहेगा कि काम यहाँ से यहाँ तक ख़त्म किया था अपन ने, अब यहाँ से अपन को इसी एरिया से काम चालू करना है। इसी तरीके से एरो है कि दीज आर यूज टू मार्क एंड पॉइंट ऑफ ए चैन लेंथ। एरो मैंने आपको बताया था कि जब फॉलोअर और लीडर वाला एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जैसे आपका लीडर आगे बढ़ता जाता है वो एरो वहाँ वहाँ लगाता रहता है। रेंजिंग रोड मैंने आपको बताया था कि रेंजिंग रोड आर यूज टू एस्टेब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट्स अलोंग स्ट्रेट लाइन और दिस प्रोसेस कॉल्ड रेंजिंग। आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है, वो भी अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है।
फिर आती है आपकी ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड और इसमें कुछ खास डिफरेंस होता नहीं, ये भी एक रेंजिंग रोड होती है, बस एक इसमें स्लाइड से इसमें कट लगा होता है राइट एंगल पे, जो आपको परपेंडिकुलर आप उसको विजिबल मतलब देख सकते हो, ठीक है, इट इज़ विजिबल। सो इट इज़ अ रेंजिंग रोड विद द स्लो रोड मेड एट राइट एंगल एंड इट हेल्प्स टू मेक परपेंडिकुलर ऑफसेट। आपको जैसे मान लीजिए आपकी ये आपकी इस तरीके से आप सर्वे कर रहे हो, इस फ्लो में आप सर्वे कर रहे हो, यहाँ पर आपका कुछ ऑफसेट में आ गया, तो आप यहाँ पर ऑफसेट लगा करके ये आपने इसको देख लिया, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपन स्केल ऑफ प्लॉटिंग, क्या नेचर ऑफ ग्राउंड का एक्यूरेसी क्या, किस तरीके से डिपेंड उस पर डिपेंड करती है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। उसके बाद आगे आपका क्रॉस स्टाफ, क्रॉस स्टाफ क्या होता है आपका परपेंडिकुलर देखने के लिए, मतलब आपकी ये जो सर्वे लाइन जा रही है इस तरीके से और यहाँ पर मान लो कोई ट्री है तो इसको आप कैसे देखोगे, इसको आप क्रॉस स्टाफ की हेल्प से देख सकते हो, जैसे कि आपको उसमें डायग्राम में दे रखा है इस तरीके से, यहाँ पर आप ये लगा लोगे और यहाँ पर आप अपनी आँख से इसको देख सकते हो, ठीक है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ किस काम में आता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ काम में आता है आपका 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री के मल्टीपल में काम में आता है, उसके मल्टीपल के एंगल में काम में आता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। क्रॉस स्टाफ से आप क्या करते हो, ओनली 90 डिग्री वाले देख सकते हो, पर फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आपका 45 डिग्री के मल्टीपल में काम में आता है। इसी के साथ आपका आ गया ये ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है कि इट इज़ यूज टू सेट आउट राइट एंगल, राइट एंगल के काम में आता है। इट यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन, नोट द रिफ्लेक्शन, ध्यान देना, ये रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये जो है आपके रिफ्लेक्शन पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पर नहीं करता, रिफ्लेक्शन पे करता है, रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसका मतलब कि इसके अंदर, क्योंकि जो ग्लास आपका रिफ्लेक्शन पे काम करता है, इसका मतलब इसमें दो जगह यहाँ पर ग्लास लगे होते हैं, ठीक है। इट यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन, इंडेक्स मिरर फुली सिल्वर्ड, हॉरिजॉन्टल मिरर हाफ सिल्वर्ड एंड टॉप हाफ, ठीक है। बस क्वेश्चन पूछने वाला इतना ही कि ऑप्टिकल स्क्वायर जो है आपका डबल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ना, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर में कुछ भी नहीं है कि आपका जो मिरर है वो आपने प्रिज्म से रिप्लेस कर दिया, इट इज़ इक्वल टू सेम एज ऑप्टिकल स्क्वायर, बस फर्क इतना है कि आपका जो मिरर है वो आपको ने प्रिज्म लगा दिया उसमें। सिंपल क्लिनोमीटर आता है, वो भी आपका क्या रहता है कि इट इज़ यूज टू मेजर स्लोप ऑफ द ग्राउंड और वर्टिकल एंगल्स, मतलब वर्टिकल एंगल्स और ग्राउंड का जो है स्लोप मेजरमेंट करने का काम आता है। जैसे ये आपने डी शेप, अपन जैसे डी यूज़ नहीं करते थे पहले 8th 10th में ट्रिग्नोमेट्री में और इन सब में कई सब्जेक्ट्स में, तो उसमें डी से अपन एंगल मेजर करते थे, मतलब आपको स्लोप निकालना है और वर्टिकल एंगल साइज आपको क्लिनोमीटर की हेल्प से मेजर हो जाएगा। अब कहलाता है, नेक्स्ट आता है दोस्तों रेंजिंग। रेंजिंग क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि बेसिकली क्या है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसको एस्टेब्लिश आपने इंटरमीडिएट पॉइंट लगा दिया आपने यहाँ पर बीच में, तो आपने इसकी हेल्प से इस वाले ए की इस इंटरमीडिएट पॉइंट की हेल्प से आपने बी पॉइंट को देख लिया, ये आपका रेंजिंग कहलाया है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स। अब डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स अलोंग ए चैन व्हेन एंड स्टेशंस आर इंटरविजिबल। जब आपका ए और बी पॉइंट इंटरविजिबल है, जब आपका ए और बी पॉइंट दिख रहा है, तो वो आपका डायरेक्ट रेंजिंग कहलाया। आपने बीच में जो इंटरमीडिएट पॉइंट तो लगाया ही है, पर ए और बी भी आपका विजिबल है, मतलब आपका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट विजिबल है, तो वो आपका डायरेक्ट रेंजिंग कहलाया। दूसरा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा, जिसमें आपका ए फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपका विजिबल नहीं होगा, ठीक है। देख लेते क्या है कि इसमें क्या होगा कि आपका ए और बी, देखो ए और बी इसमें आपका क्या है, विजिबल नहीं है, तो ठीक है, इसमें आपने क्या किया, सी और डी लगा दिया, ठीक है। अब सी से क्या होगा, आपका डी और बी दोनों विजिबल होंगे, और डी से क्या आपको होगा, आपका ए और सी दोनों विजिबल होंगे, समझ आ रहा है। तो क्या होगा कि दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन एंड स्टेशंस आर नॉट इंटरविजिबल ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड। यहाँ पर जो ग्राउंड का लेवल है वो बढ़ गया, यहाँ पर लेवल ग्राउंड का लेवल इतना बढ़ गया, तो एंड स्टेशंस आर नॉट इंटरविजिबल ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड बिटवीन दैम एंड ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन दैम। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी सेलेक्ट टू इंटरमीडिएट पॉइंट्स, अपने सी और डी दो इंटरमीडिएट पॉइंट ऐसे निकाल दिए, जिससे अपन को स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट मिल रहा है। भाई सी से अगर आप देखोगे तो बी और डी दोनों विजिबल हैं, सी से आपका बी और डी दोनों विजिबल है, डी से आपका सी और ए दोनों विजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। बस फर्क डिफरेंस क्या है आपका कि डायरेक्ट में तो क्या होता है, पॉइंट्स इंटरविजिबल होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट में इंटरविजिबल नहीं होता, बस इतना ही डिफरेंस है। सो नेक्स्ट इज करेक्शन। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे, अब जितने भी आगे के जो करेक्शंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जितने भी करेक्शंस हैं उनकी वजह से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सब अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, और
किसी भी तरीके का अगर कोई भी डाउट हो, आपको कमेंट हो, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।